हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। इस वीडियो को आप लोग एज ए लर्निंग वीडियो लेना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई आपको मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसको बाय एंड सेल करो जो भी है। तो इसको आप लर्निंग एज ए लर्निंग देना, क्योंकि चार्ट कैसे देखते हैं स्टॉक्स को और किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करते हैं जब हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई भी इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं जस्ट इसको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप देख लो, जो ये अभी पहला मैंने आज तीन स्टॉक सेलेक्ट किया है, मेधानी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स और FDC। ठीक है, ये स्टॉक सिलेक्शन आप लोग बहुत ही गलत करते हो कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप लोग देखते हो कि कौन सा यूट्यूबर क्या कर रहा है या फिर न्यूज़ चैनल में कौन सा एनालिस्ट क्या बोल रहा है, कौन सा स्टॉक, आप उस स्टॉक के पीछे भागते हो। बहुत सिंपल रखो, कुछ क्राइटेरिया रखो, उसके ऊपर आप लोग काम करो। जैसे मैंने जस्ट 10 मिनट में मुझे 10 स्टॉक मिल गया और तीन स्टॉक मेरा उसमें भी आ गया, पैटर्न में भी आ गया, मेरा जो मैं जो पैटर्न में काम करता हूँ उस पैटर्न में भी आ गया। मतलब मेरा बहुत सारे तीन चार स्ट्रेटजी है उसमें मैं काम करता हूँ, उसमें आ गया ये सिर्फ 10 स्टॉक में, और मुझे ढूंढने में लगा 10 मिनट में नहीं लगा। ठीक है, तो यही है, आपको खुद करना पड़ेगा, वो खुद करने से आपको मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो पहला स्टॉक आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है मिश्र धातु। आप देखो यहाँ पर ये एक रेंज तो पहले बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर क्या किया, अभी ये जो अप मूव दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप वॉल्यूम देखो, जब ये ऊपर जा रहा था तब देखो वॉल्यूम देखो, ऊपर का वॉल्यूम अच्छा है, जब नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन हुआ। वॉल्यूम कंट्रैक्शन होने के बाद फिर से जब एक स्पाइक दिया यहाँ से, तो फिर से स्पाइक देते वक्त भी आपका ये वॉल्यूम फिर से बढ़ा। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन वाइल फॉलिंग वॉल्यूम कंट्रैक्शन वाइल राइजिंग वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये है मेन मैं जो फॉलो करता हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इसके बाद ये भी एक पैटर्न में है और अगर ये आपको ब्रेकआउट दे देता तो शायद पोटेंशियल अपमूव आ सकता है, लेकिन ये सब स्टॉक बहुत चल चुका है तो इसके लिए आप थोड़ा सा संभल के, लाइक ये कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट दे के भी थोड़ा सा आपका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट दे के शेकआउट जो होता है, जिसको शेकआउट बोलते हैं, जो शेकआउट देने से आपको उसमें बहुत लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा संभाल के रिस्क मैनेजमेंट वो करके रखना, उसके हिसाब से करना। और आपका जो 2024 में बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है स्टॉक सिलेक्शन के लिए या फिर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिवर्सल्स आएंगे, बहुत सारे डिप्स आएंगे, इंट्राडे रिवर्सल्स बहुत शार्प आएंगे। मोटा मोटी अगर कहूँ तो ऑप्शन जो ट्रेडर है, FNO ट्रेडर स्पेशली, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी हैं, तो सबके लिए ज़्यादा अच्छा मार्केट नहीं होने वाला है, इसको आप बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीक सोच रहा हूँ या फिर 10-15 दिन में एक लंबा पूरा वीडियोज़ बनाऊँ, एक लंबा वीडियो बनाऊँ, उस पर मैं आपको पूरा बताऊँ कि कैसे पूरा इस 2024 में कैसे आपको ट्रेडिंग करना होगा। ठीक है, मतलब कैसे आपको उसको मार्केट को अप्रोच कैसे करें इस 2024 में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक लंबा वीडियो सोच रहा हूँ, अगर कुछ दिन गैप हो जाए वीडियो में तो आप लोग समझ जाना कि मैं उस लंबे वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक है आपका सेंचुरी प्लाईबोर्ड। सेम कॉन्सेप्ट देखो आप, जब ऊपर जा रहा था वॉल्यूम अप, जब नीचे जा रहा था तो नीचे जा रहा था वॉल्यूम कम है, फिर से वॉल्यूम अप हो रहा है। ठीक है, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इसमें आप करोगे, आपको इसका चार्ट आप पहले से लेके आओ, जो भी स्टॉक्स चल रहे आपको ये मिल जाएगा, 10 में से 7-8 स्टॉक्स में यही पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी स्टॉक्स, अगर कोई भी स्टॉक्स चला तो उससे यही पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम है कॉन्सेप्ट, सेंचुरी प्लाईवुड में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फिर से और एक देखो, फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, अभी एक अपन हैंडल बन सकता है या फिर यहाँ पर एक फ्लैग टाइप का बना के या फिर और एक आपका ऐसा और एक राउंडिंग बॉटम बनाए, देन ये ब्रेकआउट दे हो सकता है। यहाँ पर भी वॉल्यूम देखो, पहले का भी वॉल्यूम देखो। अब मेरा चार्ट देख लो, तीनों चार्ट एक तरह का है, मैं बोला 10 स्टॉक मुझे मिला, 10 में से 3 चार्ट एक तरह का मिल गया मुझे। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कैसे आप लोग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आजकल बहुत सारे आपका वेबसाइट है, ऐप है, जैसे कि स्टॉकेज हो गया, सब ऐप है जिसमें आप लोग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी सिंपल पैरामीटर्स डाल के। मैं आपको कुछ पैरामीटर्स भी बताऊंगा जो लंबे वीडियो में पूरा एक मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा कैसे आप वो एक घंटा का, अगर एक घंटा डेढ़ घंटा का वीडियो जो भी हो वो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको वेबिनार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वेबिनार ज्वाइन करने की या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये आपको जो दिया है इनको आप प्लीज़ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझो, ये जस्ट मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए दिया था। और
यही है। इसके बाद आपका जो 2024 है इसमें आपका ना बहुत सारे पोर्टफोलियो चर्निंग होगा, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रोटेशन बोलते हैं। पोर्टफोलियो रोटेशन होगा, पोर्टफोलियो चर्निंग होगा। पोर्टफोलियो चर्निंग क्या होता है कि एक सेक्टर से निकल के दूसरे लोग दूसरे सेक्टर में जाते हैं और चर्न होता है। मान लो आप सेक्टर चर्निंग, पोर्टफोलियो चर्निंग वो बहुत कॉमन होता है और इस 2024 में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है और बहुत बहुत गैप्स मिलेंगे आपको 2024 में। गैप्स हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइनअप हैं, बहुत सारे इवेंट्स से बात थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत सारे इवेंट लाइनअप से बहुत कुछ चीज़ें जियोपॉलिटिकल में हो रहा है, ठीक है, तो उससे बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो उसमें आपको बोला मैंने कि एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सब कुछ करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो उसके लिए मुझे एक लंबा वीडियो चाहिए जिसको मैं डिवाइड कर करके आराम से बोल सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और ख्याल रखना।